हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज जी आर शैंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी और बेसिक्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज जी आर शैंकी मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हम टॉपिक में पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट व्हाट इज पैरासाइट, व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो टाइप्स के डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो पैरासाइटोलॉजी के बारे में अगर बात करें, सो पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये किसकी ब्रांच है? माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो कि पैरासाइट की स्टडी से रिलेटेड होती है। मेडिकली अगर मैं बात करूं, जब हम पैरासाइटोलॉजी को डील करते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, तब मेडिकल पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैरासाइटोलॉजी। ये पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। कैसे पैरासाइट्स की? विच इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, एंड द डिजीजेस दे प्रोड्यूस, और जो वो डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में भी हम मेडिकली पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज पैरासाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली डायग्राम में ये कैसे कैसे स्नेक टाइप से में दिख रहे हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में है इस पिक्चर के अंदर। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट्स These are the organisms that infect other living beings. Parasites ऐसे organisms होते हैं जो कि other living beings को infect करते हैं. They live in or on the body of another living being and obtain shelter and nourishment from it. ये देखिए, शरीर के अंदर जो भी living being है उसके live in, शरीर के अंदर या फिर उसकी body surface पे रह सकते हैं, एंड वहां पे रह के क्या करते हैं? शेल्टर लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, वहां पे रहते हैं एंड फूड लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, बेसिकली चूसने का काम करते हैं अंदर से। होस्ट, अब ये होस्ट कौन है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच हार्बर्स अ पैरासाइट इज नोन एज द होस्ट। वो लिविंग बींग जिसके अंदर ये पैरासाइट रहते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, या जिसकी बॉडी के सरफेस पे ये रहते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, दैट थिंग इज नोन एज, दैट लिविंग बींग इज नोन एज होस्ट। ओके, सो अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी बात उसमें बताऊं आपको, अगर पैरासाइट के बारे में दोबारा देखें, सो पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है विच डिपेंड्स ऑन अदर होस्ट, इज कॉल्ड पैरासाइट्स, जो कि अदर होस्ट के ऊपर, मतलब दूसरे पर्सन, दूसरे लिविंग बींग के ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज नोन एज पैरासाइट। ओके, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट जो होता है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, खुद से खाना नहीं बना सकता है, ठीक है, सो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसका खाना लेगा, ठीक है, तो दैट थिंग इज नोन एज पैरासाइट। पैरासाइट्स टेक अ न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। पैरासाइट अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट से न्यूट्रिशंस लेता है। पैरासाइट्स आर वेरी हार्मफुल फॉर होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इट प्रोड्यूसेस सो मैनी डिजीजेज इन होस्ट, और ये होस्ट के अंदर बहुत सारी डिजीजेस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पैरासाइट देखें तो एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स विच लिव आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी विदाउट पेनिट्रेट इन टू द टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल लाइस, टिक्स एंड माइट्स। एक्टोपैरासाइट कौन से पैरासाइट्स होते हैं? ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिव करते हैं आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो आउटसाइड सर्फेस होता है, मतलब हमारी जो स्किन होती है वहां पे ये पेनिट्रेट करते हैं, वहां पे ये रहते हैं, एंड दे कांट पेनिट्रेट इनटू द टिश्यू, और ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस पे रहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? लाइस, टिक्स एंड माइट्स। एंडोपैरासाइट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर लिव करते हैं होस्ट के, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर रहते हैं, टिश्यू के अंदर रहते हैं, ठीक है,
देखिए दोबारा, पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इन ब्लड टिश्यू बॉडी कैविटीज एंड अदर ऑर्गन्स। कहाँ कहाँ रहते हैं? ब्लड में रह सकते हैं, टिश्यू में रह सकते हैं, बॉडी कैविटी में रह सकते हैं, अदर ऑर्गन्स में भी रह सकते हैं। दैट टाइप ऑफ पैरासाइट्स नोन एज एंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल है जैसे जितने भी प्रोटोजोआ हैं, हेलमिंथिंग पैरासाइट्स हैं, वो सभी ह्यूमंस के अंदर सर्वाइव करते हैं। ओके अगर हम होस्ट के बारे में देखें, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट, तो देखिए तीन टाइप के होस्ट होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, एंड थर्ड वन इज अ रिजर्वायर होस्ट। ओके सो लेट अस सी दैट व्हाट इज डेफिनेटिव होस्ट। द होस्ट इन विच द अडल्ट स्टेज ऑफ पैरासाइट लिव्स और द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट क्या है? देखिए ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट की अडल्ट स्टेज रहती है, ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट की अडल्ट स्टेज रहती है, एंड वहां पर क्योंकि अडल्ट है तो वहां पर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करेगी। ठीक है, सो अडल्ट स्टेज रहती है डेफिनेटिव होस्ट में, एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, वहां पर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्योंकि वो अडल्ट स्टेज में है। दैट होस्ट इज नोन एज डेफिनेटिव होस्ट। इसका एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट। देन वी हैव द सेकेंड होस्ट विच इज इंटरमीडिएट होस्ट। The host in which the larva stage of parasites lives or the asexual mode of reproduction takes place is called the intermediate host. For example, human being. Intermediate host कौन सा होता है? ऐसा host जिसके अंदर larva stage होती है parasite की, and वहाँ पे reproduction तो होता है लेकिन वो sexual reproduction नहीं होता है, asexual mode of reproduction होता है। ठीक है, ऐसे होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट को याद कैसे करेंगे कि एक तो लार्वा स्टेज है वहां पे, दूसरा लार्वा स्टेज होने की वजह से वहां पे सेक्सुअल नहीं होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। एग्जांपल है इसका ह्यूमन बीइंग। थर्ड है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट एक ऐसा होस्ट होता है, अ होस्ट एंड इंट्रोवर्टिब्रेट स्पेसिमेंस स्पीसीज। इंट्रोवर्टिब्रेट स्पीसीज कौन सी होती हैं? ऐसे एनिमल्स, ऐसे स्पीसीज जिसके पास बैकबोन नहीं होता है, इन विच द पैरासाइट पासिस इट्स लाइफ साइकिल। इंट्रोवर्टिब्रेट स्पीसीज जिनके पास बैकबोन नहीं होता है उनके अंदर पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को पास करता है, एंड विच में एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको हम रिजर्वायर होस्ट कहते हैं, जहाँ से हमें इन्फेक्शन कैच होता है। ऐसे टाइप के होस्ट को हम रिजर्वायर होस्ट को कहते हैं, एंड ये जो होस्ट होते हैं इनके पास बैकबोन नहीं होता है। आई होप ये आपको तीनों के तीनों होस्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलें। ओके नाउ दैट लेट अस सी दैट व्हाट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में देखें तो देखिए, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच फाउंड इन 1 μm to 5 mm, जिसका रेंज 1 μm to 5 mm रहता है। इट इज मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया सीलिया एंड फ्लेजिलम। ये मोटाइल करता है, मोटाइल मतलब मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया सीलिया एंड फ्लेजिलम। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सूडोपोडिया है। ठीक है, सो ऐसे ही फ्लैजिलम भी होते हैं, सीलिया भी होता है, इनकी हेल्प से ये मोटाइल करते हैं। जो फ्लैजिलम होता है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया जो होता है वो क्या होता है ना, थोड़ा सा हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मतलब मोटाइलनेस होती है। इट हैज नो एनी ट्रू सेल वॉल। इसकी आप ध्यान से देखोगे तो कोई सेल वॉल नहीं है। मैक्सिमम प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर। देखिए ज्यादातर तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ही होता है, बट सम मे बी मल्टीसेलुलर, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रोटोजोआ आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। मैक्सिममली तो ज़्यादातर तो बाइनरी फ्यूजन से ही प्रोटोजोआ होते हैं, लेकिन कुछ लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन से भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन क्या, जब बीच में से आधा आधा हिस्सा डिवाइड हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें आप प्रोटोजोआ के, अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, जियार्डिया लैम्ब्लिया, बेलेंटीडियम, ट्रिकोमोनास वेजिनलाइसिस। ये चारों के चारों एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज हेलमिंथ। हेलमिंथ इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज फाउंड स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप में होता है।
हेलमिंस्टिक हैज बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसके पास दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल. मतलब क्या है कि इसके एक एंड पे फीमेल ऑर्गन और एक एंड पे मेल ऑर्गन होता है. दे डज नॉट हैज एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका खुद का अपना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने की वजह से ये टोटली होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है. एंड होस्ट का जो प्री डाइजेस्टिव फूड होता है उसको ये वहां से नरिशमेंट लेता है, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन प्री डाइजेस्टिव फूड ऑफ होस्ट. एग्जाम्पल देख लीजिए, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एंक्लिस्ट्रोमा ड्यूडेनले, नेक्टोर अमेरिकन्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलमिंट्स. नाउ प्रोटोजोआ पैरासाइट की मोर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखें अगर, तो जो प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं. सिंगल सेल कंटेन होता है ये स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल होता है ये, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एंड बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. द मल्टीप्लीकेशन अकर बाय, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और सेक्शुअल, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन से होता है. मल्टीपल फ्यूजन को हम सेक्शुअल फ्यूजन भी कहते हैं. देन प्रोटोजोआ पैरासाइट्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं उसके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीजें होती हैं. ओके, सो पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है. एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म. नाम से पता लग रहा है एक्टो मतलब बाहर वाला सरफेस, एंडो मतलब इनर वाला सरफेस. एक्टोप्लाज्म के बारे में बात करें तो ये एक्सटर्नल हाइलिन पार्ट है, मतलब बाहर का एक्सटर्नल हाइलिन पार्ट है. होमोजेनस होता है ये नेचर में. उसका फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, अभी हमने प्रोटोजोआ का डायग्राम देखा था जिसमें सूडोपोडिया दिखाया गया था एंड में सरफेस पे, जिसकी हेल्प से वो लोकोमोशन करता है. सो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन इज लोकोमोशन एंड पार्टिसिपेट इन द एंगल्फमेंट. ये फंक्शन करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में, मोटाइलनेस में हेल्प करता है, एंगल्फमेंट ऑफ फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल है उसको निगलने में भी हेल्प करता है. रेस्पिरेशन, सांस लेने में ये हेल्प करता है. मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से डिस्चार्ज करने में भी ये हेल्प करता है. और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह भी काम करता है क्योंकि आउटर सरफेस पे है. एंडोपैरासाइट के बारे में बात करें, सॉरी एंडोप्लाज्म के बारे में बात करें, सो इंटरनल ग्रैनुलर पोर्शन होता है ये. इंटरनल ग्रैनुलर पोर्शन है ये, ठीक है. ये इंटरनल ग्रैनुलर पोर्शन होता है एंड पार्टिसिपेट करता है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन में. न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है. अब देखिए एक्टोप्लाज्म के हिसाब से लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में. एक तो है सूडोपोडिया, दूसरा है फ्लैजिला, तीसरा है सीलिया. सूडोपोडिया के बारे में बात करें तो दीज आर दी टेम्पररी प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म का टेम्पररी प्रोजेक्शन होता है, परमानेंट नहीं होता है. यूज्ड एज अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के ऑर्गन की तरह काम करता है. एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एनगल्फमेंट ऑफ द फूड मटीरियल, साथ में फूड मटीरियल के एनगल्फमेंट, निगलने को, फूड मटीरियल को निगलने में भी हेल्प करता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिजोपोडिया. सेकेंड लोकोमोशन अगर ऑर्गन के बारे में बात करें, दैट इज अ फ्लैजिला. दीज आर लॉन्ग डेलिकेट थ्रेड लाइक फिलामेंट्स. ये लॉन्ग डेलिकेट थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है. अराइजिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से शुरू होते हैं. 1 to 8 इन नंबर, 1 से 8 तक के नंबर के बीच में ये होते हैं. एंड एक्ट एज अ ऑर्गन लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन के ऑर्गन की तरह काम करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल है जूमेस्टिगोफोरा. ओके, देन थर्ड वी हैव द सीलिया. सीलिया, दीज आर फाइन हेयर लाइक फिलामेंट्स. ये कैसे हैं, फाइन हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है. कवरिंग द एंटायर बॉडी, ये पैरासाइट के एंटायर बॉडी को कवर अप करके रखते हैं. एंड एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिएटा. ओके, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लें प्लीज. नाउ एक्टोप्लाज्म के ऑर्गन्स के बारे में बात की, एंडोप्लाज्म के बारे में बात करें तो उसमें न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेस्क्यूलर्स होते हैं, किंटोप्लास्ट होता है. न्यूक्लियस के बारे में बात करें, जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. सो इट इज सिचुएटेड इनसाइड द एंडोप्लाज्म. न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोप्लाज्म के अंदर होता है. इट इज यूजुअली सिंगल, ये सिंगल ही होता है ज्यादातर, बट मे बी 2 or more than 2 इन नंबर. लेकिन काफी बार 1 से 2, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे सिलिएटा में होते हैं.
देर आर टू टू न्यूक्लियाई, सिलेटा में टू न्यूक्लियाई होते हैं एंड स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस, स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस भी होता है। वो दो न्यूक्लियाई क्या है, एक तो स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस है और एक लार्ज माइक्रो न्यूक्लियस होगा, इस हिसाब से दो न्यूक्लियस होते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ टफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके जो आसपास की जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, टफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट शोज वन और मोर न्यूक्लियोलाई, ये एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई को शो करते हैं, जिसको हम सेंटर एंडोजोम या फिर किंटोप्लास्ट भी कहते हैं। इसका फंक्शन देख लें आप, कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की और जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट भी न्यूक्लियस ही करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेसिक्यूल्स के बारे में अगर बात करें, सो सिचुएटेड इनसाइड द एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम एंडोप्लाज्म कह रहे हैं, उसमें ये होता है सर्व्स एज अ रेगुलेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। थर्ड वी हैव किंटोप्लास्ट, सर्टेन प्रोटोजोआ पैरासाइट फॉर एग्जाम्पल हीमोफ्लैजेलेट्स, जैसे कि हीमोफ्लैजेलेट्स इसका एग्जाम्पल हो गया, शोज द प्रेजेंस ऑफ नॉन न्यूक्लियर डीएनए कंटेनिंग राउंड और रॉड शेप। ये नॉन न्यूक्लियर होते हैं, इनके अंदर डीएनए होते हैं एंड ये रॉड शेप के होते हैं, टाइनी डॉट्स होते हैं लाइक बॉडी होती है इसकी, ठीक है, एंड एडिशन टू द न्यूक्लियस। अब बात करते हैं ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट, जो कि प्रोटोजोआ पैरासाइट की स्टेजेस हैं, ठीक है, एक होती है ट्रोफोजोइट एक होती है सिस्ट। ट्रोफोजोइट के बारे में बात करें, सो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया ट्रोफोस, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, तो यहां से ये ट्रोफोजोइट नाम पड़ा। इट इज एन एक्टिवली फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज, जो ट्रोफोजोइट होती है वो प्रोटोजोआ पैरासाइट की फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज मानी जाती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इनएक्टिव स्टेज नोन एज सिस्ट। इसको देखिए, ट्रोफोजोइट एक्टिव स्टेज होती है, अगर इसको इनएक्टिव स्टेज में आपको कन्वर्ट करना है तो इसको आपको सिस्ट में कन्वर्ट कर दो, सो सिस्ट इज इन इनएक्टिव स्टेज ऑफ प्रोटोजोआ। सिस्ट के बारे में बात करें, सो सिस्ट इज एन इनएक्टिव स्टेज ऑफ प्रोटोजोआ पैरासाइट, इट इज रेजिस्टेंस टू अबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, इट इज रेजिस्टेंस टू अबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये अबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस पे रेजिस्ट करती है, इसी वजह से हेंस एबल टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसी वजह से ये जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, मतलब जो इसे सपोर्ट ना दे उसमें भी ये सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, कौन, सिस्ट। इट इज इन इफेक्टिव टू इट्स ह्यूमन होस्ट एंड विच इज न्यू होस्ट बाय मैकेनिकल ट्रांसफर। ये इन्फेक्टिव होती है ह्यूमन होस्ट के लिए एंड ये साथ में दूसरे होस्ट तक भी मैकेनिकली ट्रांसफर हो सकती है। किसकी हेल्प से कर सकती है, जैसे विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, कैरियर्स की हेल्प से कर सकती है, बाय सब एजेंसी, कुछ एजेंसीज के थ्रू कर सकती है, जैसे वो कौन कौन से कैरियर्स हैं, हाउस फ्लाइज हो गई, टू फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। प्रोटोजोआ पैरासाइट को अगर क्लासिफाई करें तो इसको देखिए क्लासिफाई किया गया है इसकी मोटिलिटी, मतलब लोकोमोशन के हिसाब से, इसको चार टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए लोकोमोशन की मोटिलिटी पैथोजेनिक प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंगली इसको फोर टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा रिजोपोडा, ठीक है, सो प्रोटोजोआ विच आर मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, रिजोपोडा, याद कैसे रखना है, पोडा आ रहा है ना यहाँ पे वर्ड, ठीक है, सो रिजोपोडा, यहाँ पे पोडा की वजह से, मतलब सूडोपोडिया की वजह से ये लोकोमोशन होगा। सो दैट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ जो कि सूडोपोडिया की वजह से लोकोमोट करते हैं उनको हम रिजोपोडिया कहते हैं, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होगा, ये पॉजिटिव एजेंट होते हैं अमीबियासिस के। और इनसे होता क्या है, देखिए अमीबियासिस होता है, अमीबिक डिसेंट्री होता है, लीवर एब्सेसिस होता है, स्वेलिंग आ जाना, फ्लूड का वहाँ पे येलोइश फ्लूड का इकट्ठा होना, एब्सेसिस इन अदर ऑर्गन्स भी जनरेट करता है, कौन करता है, रिजोपोडा, जो कि सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं, एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देन वी हैव मस्टिगोफोरा, सेकेंड वन इज मस्टिगोफोरा, ये जो मस्टिगोफोरा होता है ये भी मोटाइल करता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, जितने भी प्रोटोजोआ फ्लैजेला की हेल्प से मोटाइलनेस करते हैं वो मस्टिगोफोरा में आते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, अगेन इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंटरस्टिशियल फ्लैजेलेटेड, एक होता है हीमोलेजिलेट्स फ्लैजेलेट्स, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों अलग अलग जगह पे डिजीज कॉज करते हैं। इंटरस्टिशियल के बारे में बात करें तो ये इंटेस्टाइन और वजाइना में डिजीज कॉज करते हैं,
इसीलिए इनके एग्जाम्पल है जियार्डिया लंबलिया एंड ट्रिकोमोनास वेजिनलिसिस। एंड हीमोफैजिलेट्स के बारे में बात करें, ये ब्लड एंड टिश्यू के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है लिशमेनिया स्पीसीज एंड ट्रिपोनिमा स्पीसीज। थर्ड एग्जाम्पल इज द स्पोरोजोस प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जो स्पोरोजोस प्रोटोजोआ होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइलनेस नहीं करते। दे डजंट हैव फ्लैजिला, दे डजंट हैव सूडोपोडिया, दे डजंट हैव सीलिया। ठीक है, ये मलेरियल पैरासाइट एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज एंड टॉक्सोप्लाज्मा स्पीसीज। फोर्थ वी हैव द सिलियाटा। सिलियाटा अभी पढ़ा हमने, जिसके अंदर सीलिया होता है। सो प्रोटोजोआ विच आर एबल टू मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जो कि सीलिया की हेल्प से मोटाइलनेस करते हैं, वो सिलियाटा होते हैं, ब्लेंटेडियम कोलाई। अब देखो, अगर मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दूं तो देखिए, ध्यान से देखना, रिजोपोडिया सूडोपोडिया की हेल्प से करेगा, मस्टिगोफोरा फ्लैजिला की हेल्प से करेगा, दो टाइप के होते हैं इंटेस्टिनल हीमोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, एंड स्पोरोजोस प्रोटोजोआ कोई मोटाइलनेस नहीं, ठीक है, एंड सीलिया सीलिएटा सीलिया की हेल्प से मोटाइलनेस करेगा। ठीक है, हेलमिंट्स की अगर देखें आप, सो द हेलमिंट्स, हेलमिंट्स का मतलब क्या होता है, वॉर्म्स, कीड़े आर वॉर्म लाइक। ठीक है, मेटाजोआ पैरासाइट्स दे दैट आर मल्टी सेलुलर, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड हैव थ्री जर्म्स लेयर। इनके पास थ्री जर्म्स लेयर होती है, इसीलिए हम इसको ट्रिपोब्लास्टिक मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट हेलमिंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स। मेडिकली ये जो हेलमिंट्स है इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्लेटी हेलमिंट्स। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। ठीक है, एग्जाम्पल है सिस्टोड्स एंड ट्रीमेटोड्स। एंड दूसरा है नीमा हेलमिंट्स। नीमा का मतलब होता है थ्रेड। एक तो होता है फ्लैट, ठीक है, जो फ्लैट टाइप के होते हैं, ठीक है, फैट होते हैं, उनको सिस्टोड्स कहते हैं, ट्रीमेटोड्स कहते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो नीमेटोड्स होते हैं। इनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अनदर वीडियो, जिसमें हम वहां पे इसकी डिटेल स्टडी लेंगे। ठीक है, नाउ ये देखते हैं कि पैरासाइट का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से ये पैरासाइट इन्फेक्ट करता है होस्ट को। पैरासाइट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। पैरासाइट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉइल में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा और एग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट्स ऑल्सो फाउंड इन वाटर। ये वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ सिस्ट। ठीक है, सिस्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं एंड एग ऑफ हेलमिंट्स, हेलमिंट्स के एग वहां पे पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मॉस्किटो एंड सैंडफ्लाई। ये मॉस्किटो एंड सैंडफ्लाई में भी पाए जाते हैं, जिससे हमें पता है कि मॉस्किटो की वजह से मलेरियल पैरासाइट ट्रांसफर होता है, जिससे मलेरिया होता है ना। ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट देखिए, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। सो पैरासाइट्स कैन डायरेक्टली ट्रांसफर बाय माउथ, डायरेक्टली माउथ से ट्रांसफर हो सकता है। सम पैरासाइट्स कैन इजिली पेनिट्रेट बाय स्किन। कुछ पैरासाइट स्किन के जरिए पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप वाटर में गए, ठीक है, वहां पे पेनिट्रेट कर गए। पैरासाइट कैन ऑल्सो ट्रांसफर बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। पैरासाइट्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर बाय मदर टू फीटस। ये मदर से फीटस की तरफ भी जा सकता है। पैरासाइट्स ऑल्सो ट्रांसफर बाय मॉस्किटो एंड सैंडफ्लाई। ये मॉस्किटो एंड सैंडफ्लाई से भी ट्रांसफर होते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पैरासाइटोलॉजी के बेसिक्स, दैट मींस इंट्रोडक्शन लिया प्रॉपरली, जिसमें हमने ये देखा दैट व्हाट इज पैरासाइट, व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट इट कंटेन्स। ठीक है, कितने टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोआ, सिस्ट, हेलमिंट्स, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी ली। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड गाइज, प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपको आपकी इस मेडिकल जर्नी में बहुत हेल्प देगी। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो में। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स, क्लीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।